हेलो फ्रेंड्स, किरण द निटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे डाल सकते हैं। और छूने से ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डिज़ाइन है। बहुत से मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने फरमाइश की थी कि जो जेंट्स स्वेटर के लिए विदाउट जाली वाला कोई डिज़ाइन मैं डालूं। देखिए ये विदाउट जाली है और बहुत ही छोटा छोटा सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। ये आप अपने स्वेटर पे डालिए। अब हम देखते हैं इसको कैसे डालेंगे। देखिए इसके लिए मैंने 15 फंदे लिए हैं। इसमें फंदों की कोई लिमिट नहीं है, आपके जितने भी फंदे हों उसमें डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। और इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। ये मोटी वूल पे ज़्यादा सुंदर आता है डिज़ाइन, और 9 नंबर की सिलाई पे। अब हम इसको देखते हैं कैसे डालेंगे। देखिए इसकी ये हमारी बेसिक रो है, जो सबसे पहले आप डालोगे राइट साइड में। देखिए स्टार्टिंग में जो डालोगे बेसिक रो, एक बार डालनी बस, ये राइट साइड से इसको आप सारा ऐसे सीधा कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन जो है ये रोंग साइड से शुरू होता है, तो आप इसकी ये बेसिक रो जो है ये सारी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये इसकी रोंग साइड है और ये इसकी फर्स्ट रो है डिज़ाइन की। यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। देखिए इसमें कैसे बुनेंगे। पहला फंदा आप सीधा बुनेंगे, देखिए ऐसे, फिर धागा आगे लाएंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे, देखिए ऐसे, और फिर नेक्स्ट फंदा फिर हम सीधा बुनेंगे, इसको धागे को ढीला छोड़ते हुए ऐसे करके। देखिए इसके ऊपर से ये धागा ऐसे आना चाहिए, फिर हम धागा आगे लाएंगे और ये फंदा स्लिप करेंगे और ये नेक्स्ट फंदा हम बुन लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे ये जो धागा है ऐसे आना चाहिए हमारे पास, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और ये वाला फंदा आगे वाला सीधा बुनेंगे, इसके ऊपर से ऐसे घुमाते हुए ये धागा देखिए ऐसे आ जाना चाहिए, फिर धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और ये सीधा फंदा ऐसे बुन लेंगे। इस धागे को थोड़ा हमें लूज़ रखना है, इसको हम लूज़ रखेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और ये फंदा हम बुन लेंगे। देखिए फिर धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और ये फंदा हम बुन लेंगे, देखिए ऐसे, फिर धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और इसको हम लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे। देखिए ये फर्स्ट रो रोंग साइड वाली हमने कंप्लीट कर ली है। सेकेंड रो में हम ये राइट साइड है इसकी, देखिए राइट साइड वाली जो रो है हमारी ये हम सीधी डालेंगे सारी। देखिए ऐसे पहला फंदा बुन लेंगे और फिर ये देखिए ये धागा इसका आगे है, तो इसको ऐसे ही हम आराम से बुन लेंगे, देखिए ऐसे, फिर ये फंदा बुन लेंगे, ये सीधी डलनी है सारी। देखिए ऐसे इसको धागे को ऐसे ही रहने देंगे, इधर वाली साइड ये और इन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, देखिए ऐसे ये फंदा बुन लिया सीधा, ये देखिए इन दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे, ये फंदा सीधा बुन लिया, इन दोनों को इकट्ठा ऐसे सीधा बुन लेंगे, ये फंदा सीधा बुन लिया, देखिए ये और ये इन दोनों को इकट्ठा। ये सारी रो सीधी है, पर इसको एक फंदा ऐसे बुना जाएगा और एक ये दोनों कट्ठे बुने जाएंगे, देखिए ऐसे एक सीधा बुन लेंगे, देखिए ऐसे, और ये इनको हम इकट्ठा बुन लेंगे और ये लास्ट में हमारा सीधा फंदा आ जाएगा। देखिए ये सेकंड रो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट इसकी कर ली है। थर्ड रो है ये रोंग साइड, इसमें थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन चेंज होगा। देखिए इसमें हम एक सीधा फंदा बुनेंगे,
पिछले फर्स्ट रो में हमने एक ही सीधा फंदा बुना था, इसमें एक बुना और एक और बुना, दो सीधे फंदे बुनेंगे। देखिए ऐसे, इसमें बस इधर वाली साइड का आपने ध्यान रखना है। इस अब दो सीधे फंदे बुनेंगे, पहले हमने पहली रो में एक ही सीधा फंदा बुना था, फिर वैसे करेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक हम ये वाला बुन लेंगे। देखिए ऐसे, फिर धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और ये फंदा हम बुन लेंगे। देखिए ऐसे, धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और ये ऐसे हम बुन लेंगे। धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे, देखिए ऐसे बुन लेंगे। धागा आगे लाएं, फंदा स्लिप करें और ये फंदा हम बुन लेंगे। ये ढीला रखेंगे थोड़ा ना हम। फिर धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे। और ये लास्ट फंदा रह गया है, इसको हम उल्टा बुन लेते हैं। ऐसे ही सीधा बुन लो, उल्टा बुन लो, चाहे जैसे आपकी इच्छा हो। देखिए ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो में हैं हम राइट साइड में। राइट साइड की रोज़ वैसी आएगी जैसे हमने सेकंड रो डाली है राइट साइड की, ये हमारी सीधी ही आएगी। देखिए ऐसे, बस हमने इन फंदों का ध्यान रखना है, इनको दोनों को इकट्ठा बुनना, में ऐसे सीधा कर लेना। देखिए ऐसे ऐसे, एक फंदा ये अकेला है, देखिए इसको बुन लिया, और ये दो जो हमने ऊन घुमाई है वो ऐसे बुन लेंगे। देखिए एक अकेला ये और एक, ये दोनों इकट्ठे। देखिए ऐसे इसको हम, बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर छोटा छोटा डिज़ाइन है। बच्चों के स्वेटर पे भी डाल सकते हैं आप, फुल स्वेटर पे, और जेंट्स के भी डाल सकते हैं। देखिए ये ऐसे हम इसको, जो फंदे अकेले हैं उनको अकेले बुन लेंगे सीधे, और जो इकट्ठे हैं दो उनको इकट्ठा बुन लेंगे। देखिए देखिए, फोर रोज इसकी कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन आ गया है। देखिए वाइट पे भी ये बहुत ही सुंदर लगता है, इसीलिए मैंने आपको ये वाइट पे डाल के दिखाया है। ये ऐसा ही आता जाएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, फिर बीच में आएगा, इसकी ये रोज़ चेंज होती जाएगी और ये डिज़ाइन देखिए चेंज होता जाएगा। बस आप इसकी अब 1 to 4 रो इसको रिपीट करते रहिए। बेसिक रो बस एक बार ही आपने डालनी है, बाकी 1 to 4 रोज़ इसको रिपीट करते रहेंगे तो डिज़ाइन आता जाएगा। अभी मैं आपको क्रीम का भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस पे क्रीम पे भी कितना सुंदर लग रहा है ये। आप अपने स्वेटर पे डालिए और नीटिंग को एंजॉय करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।